हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्राई बैंगन भरवा, भरवा बैंगन। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लिया है और बैंगन को, जो छोटे बैंगन होते हैं, उसको अच्छे से धो के उसके अंदर दो कट लगा लिए हैं। कट लगाने से बैंगन अच्छे से तले जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब ये ज़्यादा अच्छे से तल लेने हैं इसको, ताकि ये कच्चे ना रहे बिल्कुल भी। और ये जैसे अच्छे, जितने अच्छे तले जाएंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर कच्चा रहेगा तो वो बिल्कुल भी अच्छे टेस्ट में नहीं रहेंगे। मैंने पीछे की जो डंडी होती है बैंगन की, वो नहीं निकाली है, मैंने पूरा ही रखा है। और जैसे ही लगे कि हाँ ये सॉफ्ट होने लगे हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो फिर हमें निकाल लेने हैं। और निकालते टाइम प्लेट के अंदर पेपर, न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ज़रूर रखें, ताकि इस बैंगन में जो एक्सेस ऑयल हो ज़्यादा, वो सारा उसमें चला जाए और निकल जाए। वैसे निकालते टाइम ही अच्छे से वो निकल जाए तेल, उसके बाद ही निकालिए। तो अब तड़के के लिए मैंने एक कटोरी प्याज और लहसुन का पेस्ट और एक कटोरी टमाटर और अदरक का पेस्ट लिया है। और जो तेल मैंने गरम किया था तलने के लिए, उसी को मैंने थोड़ा सा निकाल के उसी को यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा जीरा डाल के फिर मैं प्याज और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। और प्याज और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद उसको गोल्डन ब्राउन करने हैं हल्के हल्के। इसमें आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो अगर आपको पसंद है, और घर पे अगर खा सकते हैं। खुशहाल छोटा है इसी वजह से मैं हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अब मैं, प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो मैं सूखे मसाले डालूंगी। उसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, जितना आपको टेस्ट पसंद हो। उसके बाद सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, जितना आपको मिर्च पसंद है, अगर हरी मिर्च डाली है तो कम डालना लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स कर लो। और हो सके तो ये कम लो फ्लेम में करना, क्योंकि ये सूखे मसाले बहुत ही जल्दी जल जाते हैं इस वजह से। तो लो फ्लेम में अच्छे से इसके अंदर से तेल निकल जाए तब तक करना है। और तेल जैसे ही हमें लगे कि हाँ अलग होने लगा है, उसके बाद टोमेटो और अदरक की जो प्यूरी हमने रेडी की है वो लगानी है। प्यूरी डालने के बाद भी ऐसे ही, जब तक हमें टमाटर अच्छे से पक जाए, अदरक और टमाटर की पेस्ट, तब तक चलाते रहना है, पकाना है। और फिर जैसे ही लगे कि हाँ टमाटर और ये वाली जो पेस्ट है उसमें से तेल अलग हो गया है, मसाला तैयार है, तो उसके बाद हमें जो तले हुए बैंगन थे वो सारे, जो डीप फ्राई किए थे, वो सारे मिक्स करने हैं ये ग्रेवी में। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी रखनी हो पतली, तो उसमें हल्का सा पानी या फिर मलाई आप मिक्स करके थोड़ी सी पतली ग्रेवी कर सकते हो, और उसके बाद बैंगन मिलाना। पर मैं, मुझे और मेरे घर में यही सूखी ड्राई ही पसंद है, तो इसी वजह से मैं मिक्स। तो हमारी फ्राई भरवा बैंगन रेसिपी रेडी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और अगर आपको पसंद आई है तो आप भी ज़रूर बनाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।